Hey guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel Pallavi Vlogs. Welcome to a new day with a brand new vlog. Super super. मैं अपने एकदम बालकनी से vlog start कर रही हूँ, एकदम direct धूप आ रहा है. So चलिए आज के vlog को start करते हैं. I hope you'll enjoy the video. Keep on watching. Mom dad तो already left for office, तो मैंने सोचा कि चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं. तो मैं अभी बैठूंगी थोड़ा सा व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि रात में मैंने कुछ भी व्लॉग एडिट नहीं किया. आजकल मैं सुबह ही व्लॉग एडिट करती हूँ. तो पहले व्लॉग एडिट करते हैं, अपलोड पे बैठाते हैं एंड देन आज का काम स्टार्ट करते हैं. व्लॉग मेरा अपलोड हो गया है, उसे मैं अराउंड 12:31 पब्लिक कर दूँगी. बट जैसे कि आपने देखा परसों आई गेस, हाँ, मैंने अपने वार्डरोब सेट किया है. सिर्फ वार्डरोब नहीं, और भी मुझे रूम आहिस्ता आहिस्ता सेट करना है, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट लेट मी शो यू माई टेबल. ये टेबल मैं जितनी बार चाहे सेट कर लूँ, ये कुछ दिनों बाद फिर ऐसे ही कबाड़ जैसे पता नहीं क्यों लगने लगता है. दुनिया भर का सारा सामान, पन्नी, प्लास्टिक, पेपर, बैग, किताब, कॉपी, शैम्पू तक, हर चीज़ इधर ही डंप किया जाता है. तो इसे आज हम फिर से और एक बार सेट करेंगे. तो चलिए आज के हमारे मिशन को कंप्लीट करते हैं. Now the mess looks better. मैंने जो जहाँ सामान थे वहाँ के रख दिए हैं, बट अभी टेबल को क्लीन करना होगा थोड़ा सा पोछ पोछ के. एंड ये जो खाने वाले सामान है, खाने वाले के सामान में जाना चाहिए, ये सब भी हटा दूँगी. तो इट शुड लुक मोर, मतलब मेरा एक लैपटॉप भी आएगा यहाँ पे जो परमानेंट, ये कुछ चीज़ें जो है परमानेंट होगी एक्सेप्ट फॉर दिस, दिस एंड द फूड. लेट्स डू इट. सो जो टेबल है वो एकदम चकाचक मैंने कर दिया है. लेट मी शो यू गाइज. Also the table looks like this now. इसको मैंने साफ़ किया, बट ये गंदे दाग नहीं जा रहे पता नहीं क्यों. तो ये अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वायर्स वगैरह ऐसे ही रहेंगे, बट इट स्टिल लुक्स मच बेटर नाउ. टेबल हो गया है. अब टेबल के बाद है बारी मेरे इस जगह की. आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सोचे वो मिरर की दिखा रही हूँ. इस मिरर के पीछे एक मेरा जो एक सेक्शन है जहाँ पे मैंने सारे अपने कॉस्मेटिक्स एंड शादी से पहले के बहुत सामान रखा है, जो मैंने दो साल में शायद एक बार भी ओपन करके भी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने शादी के टाइम ही मेरा वहाँ का सामान अलग कर लिया था. एंड अदरवाइज ऑल द मेस आई क्रिएट इज हियर आउटसाइड द मिरर. सो मुझे आज ये सुंदर सा मेस भी साफ करना है एंड इसके अंदर का तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. वेट, बाहर में जो सामान थे मैंने पहले तो अपने बेड के ऊपर न्यूज़पेपर रख दिया ताकि मेरा बेडशीट गंदा ना हो. एंड मैंने जो सारा सामान है इसके ऊपर रख दिया. नाउ लेट मी शो यू गाइस कि इस मिरर के अंदर क्या है. सो ये एक ऐसा कैबिनेट जैसा बना हुआ है जिसके अंदर भी ढेर सारा सामान है. तो ये सारे तो दो साल पुराने हैं, आई एम डेड श्योर. ये सारे सामान भी तो हम सबका एक्सपायरी चेक करेंगे एंड जस्ट थ्रो इट ऑफ. एंड बाकी जो ज्वेलरी वगैरह है इसे हम अच्छे से सेट करके रखेंगे. लेट्स बिगिन अवर वर्क. सो राइट नाउ मैंने ये पूरा जो चारों सेक्शन है उसे पूरा क्लीन करके बाहर निकाल दिया है. दो बैग, बड़े बड़े ब्लैक जो गार्बेज बैग होते हैं उसके मुझे पूरा मैंने फेंका. उसमें इतने सारे कॉस्मेटिक सीरम, हेयर सीरम, फेस सीरम, स्क्रब, पता नहीं कितने कुछ थे, वो सारे 2022 में एक्सपायर हो गए थे. तो वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स, पूरा एम्प्टी. एंड बाकी जो यूज़फुल सामान है मैंने सारा यहाँ पे डंप कर दिया है. ये सारे मुझे सेग्रीगेट करने हैं. इसमें बहुत सारे ज्वेलरी हैं, बैंगल्स वगैरह मैंने इस बॉक्स में रख दिया है. एंड ये भी था, इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स थे, इससे मुझे क्लीन करना है. तो अब ये सारे सामान को हम करेंगे यहाँ पर अरेंज. एवरीथिंग इज़ डन. मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मैंने सारे जो है ज्वेलरी बॉक्सेस सारे अरेंज करके रख दिया है, क्योंकि दिस इज़ द लीस्ट, लाइक ये मैं सबसे कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको ऊपर रख दिया है. यहाँ पे सारे बेसिक सामान, शैम्पू से लेकर जो एकदम डेली यूज़ का है, वो सारे मैंने रख दिया है. एंड लुक एट द पिक्चर गाइज, व्हाट आई फाउंड. शी इज़ माई ठाकुमा, आई मीन शी इज़ माई दादी. आई हैव ओनली दिस पिक्चर ऑफ हर, आई मिस हर. Also, I got another thing, which is a very old, 2 years old rose. जो मानस ने मुझे दिया था, जो द फर्स्ट रोज विच आई रिसीव्ड फ्रॉम हिम, जो मैंने संभाल के रख दिया था, बी एस ए से हो गया है, बट आई केप्ट इट सेफली गाइज.
तो मैंने ये सारी कुछ चीज़ें बस अपने बिफोर तो देखा था इसमें कितना सारा सामान था, आई जस्ट हैव दिस थिंग लेफ्ट क्योंकि ये अभी तक अच्छे हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। रेस्ट दिस इज़, ये जो है पाउच मेरा डेली वेयर का है, इसमें सारे मैंने जो है ये रख दिया है, इसमें मैंने रखा है सारे, इसमें मैंने सारे स्क्रंचीज़ रख दिए हैं एंड क्लिप्स रख दिए हैं, दिस इज़ ऐसे थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल सामान, और इसमें मैंने सारे लिपस्टिक एंड एक्स्ट्रा जो जो है वो रख दिया है, एंड इसमें ये मैंने एम्प्टी रखा है, जो भी डब्बे डुब्बे आएंगे यहाँ भर दूंगी। सो दिस इज डन। हे गाइस, तो मोमलेट ऑलरेडी आ चुके थे, हम लोग ब्रेकफास्ट कॉफ़ी और थोड़े से पॉपकॉर्न खा रहे थे, बट आई हैव अ गिफ्ट डिलीवरी नाउ अराउंड 8:30। बहुत सिंपल सा गिफ्ट है, उसके लिए मुझे थोड़े से प्रिंटेबल्स एंड ये सब कुछ कुछ तैयार करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। एंड उसके बाद 8 o'clock आई हैव आस्क्ड डैड टू टेक मी, स्कूटी में चले जाकर हम डिलीवर करके आ जाएंगे। सो आई हैव दिस बॉक्स जिसे मुझे थोड़ा सा और भी सामान वगैरह है, एंड मग्स पे आएंगे जो जो इवेंट है, इवेंट मैनेजर उनके पास है, तो आई हैव प्लेस दिस लाइट्स हियर, दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसमें मुझे और भी थोड़े बहुत चीज़ें ऐड करने हैं, आई एड इट है निची। सो मैं यहाँ पर रेडी हो गई, इट इज़ नाउ 7:45 एंड मेरा हम्प भी रेडी हो गया, केप्ट इन दिस बॉक्स, तो चलिए जाके डिलीवर कर देते हैं। हैव रीच द डेस्टिनेशन, अब अंदर जाके इवेंट मैनेजर को हम अपना हैम्पर डिलीवर कर देंगे एंड देन वी लीव। पापा यहाँ पे वेट कर रहे थे तो मेरा यहाँ पे काम हो गया है, मैंने वीडियो तो नहीं ले पाई हूँ गिफ्ट हैम्पर का, बट आई विल ऐड फ्यू पिक्चर्स ऑफ द गिफ्ट हैम्पर। हे गाइस, तो मैं हैम्पर ऑर्डर जो डिलीवर करके मैं वापस आ गई थी, एंड उसके बाद आई वॉज एडिटिंग अ पिक्चर, बहुत ज़्यादा टाइम लगे वो करते करते, मोमलेट का तो डिनर भी हो गया, बट जल्दी से चेंज करते हैं, लेट्स हैव अ डिनर। सो आज डिनर में है राइस विद दाल एंड थोड़ा सा सब्जी। हे गाइस, तो आई हैव डन विद माय डिनर, इट इज़ नाउ बहुत लेट, मैं काफ़ी टाइम पहले ही मेरा डिनर हो गया था, तभी मैं कल के लिए कुछ प्रिप कर। सो आई लव अप्लाइंग आइस ऑन माई फेस अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आज मैंने देखा था कि ट्री पूरा खाली है, तो आई जस्ट थॉट कि इसे फिल करके रख देते हैं ताकि कल सुबह मैं आराम से अपना फेस पे आइसिंग कर पाऊँ, तो लेट्स रीफिल द ट्रे। तो मैंने उसे फ्रीजर में रख दिया है जिसे हम कल यूज़ करेंगे, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज का ये सिंपल सा डेली ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।